गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो यू विल बी फाइन। अब हम जुलाई का नया सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस पे पहले आपको मैंने 4 चैप्टर कंप्यूटर के करवा दिए हैं। आज हम 5th चैप्टर कंप्यूटर का रीड करेंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, इंट्रोडक्शन, क्लाउड कंप्यूटिंग, गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव। फर्स्ट हम रीड करेंगे इंट्रोडक्शन। जस्ट थिंक, सोच के देखो, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड इफ यू वांट टू सेट अप एन आईटी कंपनी। अगर आप क्या करना चाहते हो, आईटी कंपनी को सेट करना चाहते हो, फर्स्ट यू नीड एन ऑफिस स्पेस। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ऑफिस का स्पेस चाहिए। हार्डवेयर लाइक कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी, एंड सॉफ्टवेयर टू रन द हार्डवेयर, जो कि और सॉफ्टवेयर जिससे क्या हार्डवेयर के आपके हो सके, चल सके। देन यू नीड राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी फॉर पावर। पावर के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए एंड कूलिंग सिस्टम्स, एंड आईटी एक्सपर्ट चाहिए फॉर मैनेजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल ऑफ दीज रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैपिटल। इसके लिए सबसे पहले इसके लिए आपको क्या है, बहुत सारी क्या लगती है, आपकी कैपिटल लगती है। इफ यू वर्क इंक्रीज, अगर आप काम बढ़ाना चाहते हो, यू नीड मोर स्पेस। इसके लिए आपको और स्पेस चाहिए, मोर कंप्यूटर चाहिए, सर्वर चाहिए, मोर सॉफ्टवेयर, मोर कूलिंग सिस्टम एंड मोर आईटी एक्सपर्ट्स। अगेन लॉट ऑफ कैपिटल, इससे भी उससे फिर दोबारा क्या आपकी कैपिटल क्या होगी, लगेगी, खर्च होगी। इफ यूर वर्क डिक्रीज, अगर आपका काम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एंड यू नीड टू शट डाउन योर बिजनेस, और अगर आपको जरूरत पड़ जाती है अपने बिजनेस को बंद करने की, एट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी ऑफ नो यूज, और इसके लिए आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या होगा, यूज नहीं होगा, ठीक है। यू एलिमिनेट दिस हेडेक्स बाय यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके लिए आप क्या यूज करोगे, अगर इस हेडेक से बचना है तो आप क्या करोगे, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स रिसोर्सिस एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको रिसोर्सिस प्रोवाइड कराती है, सर्विस भी प्रोवाइड करती है ओवर द इंटरनेट। रिसोर्सिस इंक्लूड, जैसे रिसोर्सिस क्या क्या है, जैसे कि इसमें ईमेल मैसेज, शेड्यूल्स, म्यूजिक, फोटोज, वीडियो गेम्स, वेबसाइट्स, प्रोग्राम्स, वेब एप, सर्वर, स्टोरेज एंड मोर, और भी ज्यादा। सर्विस क्या इंक्लूड करती है इसके अंदर, एक्सेसिंग सॉफ्टवेयर एंड स्टोरिंग फाइल्स ऑनलाइन, फाइल्स को ऑनलाइन में स्टोर कर देना। इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग दीज रिसोर्सेज एंड सर्विस लोकली ऑन योर कंप्यूटर, इसमें क्या जो आपके कंप्यूटर होते हैं ये सर्विस जो है आपको क्या करती है, एक्सेस करवाती है। यू एक्सेस देन ऑन द क्लाउड, ये सब कहां से होते हैं, क्लाउड से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम यूजर्स चूज क्लाउड स्टोरेज इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग डेटा लोकली ऑन अ हार्ड ड्राइव और अदर मीडिया, जैसे कि क्या है, सम यूजर्स क्या चूज करते हैं, क्लाउड स्टोरेज इंस्टेड यूज करते हैं ऑफ स्टोरिंग डेटा के लिए, सिर्फ डेटा को स्टोर करने के लिए क्लाउड का यूज करते हैं, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज इज एन इंटरनल सर्विस, इंटरनेट सर्विस दैट प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी टू कंप्यूटर यूजर। क्लाउड स्टोरेज क्या होती है, इंटरनेट सर्विस होती है जो क्या कंप्यूटर यूजर को क्या करती है, स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सम ऑफ दीज रिसोर्सिस एंड सर्विस आर फ्री, कुछ जो रिसोर्सिस और सर्विस होते हैं वो फ्री होते हैं, एंड सम आर पेड, और कुछ के लिए आपको क्या पेड करना पड़ता है। इफ यू आर यूजिंग पेड सर्विस देन यू पे ओनली फॉर द सर्विस, अगर आपने क्या करना है, अगर आप सर्विस को पे करते हो तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या है, देन यू पे ओनली फॉर द सर्विस डेट यू एक्चुअली यूज, जो भी आप सर्विस यूज करते हैं सिर्फ उसी के लिए पे करना पड़ता है। एज अ रिजल्ट यू नीड नॉट मेक लार्ज इन्वेस्टमेंट, इसके लिए क्या है, इसका रिजल्ट ये हो कि इसके लिए आपको क्या है, लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही इतने स्टाफ की पड़ती, ठीक है। इसके लिए पीपल आर चूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, पीपल जो है क्लाउड कंप्यूटिंग को किस लिए चूज करते हैं, इसके लिए काफी रीजंस होते हैं। सबसे पहले होती है एक्सेसिबिलिटी, जिससे क्या है कि आपको डेटा एंड एप्लीकेशन पूरे वर्ल्ड वाइड से क्या हो जाता है, अवेलेबल मिल हो जाता है।
कॉस्ट सेविंग, इससे आपकी क्या है कॉस्ट की, कॉस्ट ज्यादा नहीं होती, खर्चे ज्यादा नहीं होते, इसलिए आपकी सेविंग्स हो जाती है। स्पेस सेविंग, इसमें आपको क्या है ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, स्केलेबिलिटी प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स एज पर नीड। इसके जो भी आपको चाहिए होती है, अगर आपको इसमें मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो, डिक्रीज करते करना चाहते हो, तो वो भी आप आसानी से इजिली इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही रीड करेंगे, बाकी टॉपिक आप नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। अब आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, ठीक है, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड लगते हैं इसको आपने अपनी रफ नोटबुक पे राइट करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।